खबर इस वक्त ज्ञान वापी मामले से जुड़ी हुई मिल रही है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष अपने वकीलों के साथ दरअसल इस वक्त मंथन कर रहा है। वही अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बयान दिया, कहा कि वजू खाने में शिवलिंग नहीं फव्वारा है। फैसले को चुनौती जो है वो मुस्लिम पक्ष की ओर से दी जा सकती है। देखिए किस तरीके से अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने यह बयान दिया है कि वजू खाने में जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है वो दरअसल फवारा है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष अपने वकीलों के साथ मंथन कर रहा है और हाईकोर्ट के फैसले को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया था उसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ज्ञानवापी के वजू खाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर कसमकस की स्थिति बनी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम 22 मई को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और इन सब के बीच में सवाल यही है कि क्या मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एसएम यासीन साहब, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सर, क्या आप लोग तैयार हैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए या फिर आप लोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? क्या मंथन चल रहा है? जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। अभी हम लोगों को आर्डर कल शाम में मिला है और उसको हमने अपने वकीलों के पास भेज दिया है, यहाँ भी वकीलों को दे दिया है, दिल्ली भी भेज दिया है, लखनऊ में जो हमारे हितैषी हैं उनको भेज दिया है, इलाहाबाद में भी वकील साहबान देख रहे हैं, अभी उसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेगा, फिर वो अपनी बात बताएंगे, फिर हम कमेटी के सामने रखेंगे, कमेटी जो निर्णय लेगी वो किया जाएगा। लेकिन वक्त बहुत कम है क्योंकि अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा और इस बीच में 22 तारीख को यहाँ पर एएसआई की टीम को अपना पक्ष। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख के बाद बंद हो जाएगा ये भी मालूम है, जाहिर है, इतने कम अरसे में क्या किया जा सकता है ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह कागजात जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, एफिडेविट बनेगी या जो भी होगा, जो भी प्रक्रिया होगी, जैसा वकील लोग करेंगे वैसा किया जाएगा। अब रहा यह कि अगर समय कम है और यहाँ कोई ऐसा आदेश आ जाता है जिसका पालन होगा तो उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, ना हम रोकेंगे, उस पर हम कोई एतराज़ नहीं करेंगे। अब रहा यह कि उसमें ये देखना होगा कि क्या नुकसान होंगे वहाँ पे मस्जिद के अंदर वजू खाने में, उस फव्वारे को जिसको हम फव्वारा कह रहे हैं वो आज भी कह रहे हैं,